जब भी जहरीले और खतरनाक सांपों की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एनाकोंडा का ख्याल आता है। सांप की ये विशालकाय प्रजाति बहुत ज्यादा खतरनाक और हमलावर प्रवृत्ति की होती है, जो बहुत ही जल्दी आक्रामक हो जाते हैं। ऐसे में हर कोई एनाकोंडा से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एनाकोंडा का हमला इतना खतरनाक क्यों होता है? आखिर ये विशालकाय सांप ऐसी कौन सी रणनीति अपनाता है जिसकी वजह से किसी जीव या इंसान का इसके हमले से बच पाना मुश्किल हो जाता है? तो आइए जानते हैं एनाकोंडा के खतरनाक हमलों के बारे में। एनाकोंडा, यूं तो सांप की ये प्रजाति अमेज़न के जंगल में भी पाई जाती है, लेकिन दुनिया भर के लोगों को इस जीव में काफी ज्यादा दिलचस्पी है। एनाकोंडा का अस्तित्व काफी लंबे समय से धरती पर है, हालांकि इसके बारे में आम लोगों को हॉलीवुड फिल्मों के जरिए जानकारी मिली है। ये हॉलीवुड फिल्में ही हैं जिन्होंने दुनिया को एनाकोंडा की प्रजाति और उसके खतरनाक हमले से परिचित करवाया है। एनाकोंडा एक ऐसा सांप है जो जमीन के साथ साथ पानी और दलदल में भी बहुत आराम से रह सकता है। इस जीव से पानी का राजा मगरमच्छ भी खौफ खाता है, क्योंकि एनाकोंडा बिना कोई देरी किए उसे भी निकलने की ताकत रखता है। एनाकोंडा का आकार काफी विशालकाय होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सांप बहुत ही सफाई और शांति के साथ शिकार करना जानता है। यही वजह है कि एनाकोंडा कब किस जीव पर हमला करके उसे अपना भोजन बना ले, इस बात का अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता है। अमेज़न के जंगल में एनाकोंडा की 4 अलग अलग प्रजातियां निवास करती हैं, जिनमें से सबसे विशाल आकार ग्रीन एनाकोंडा का होता है। ये एनाकोंडा अमेज़न नदी में रहता है और घात लगाकर शिकार करने के लिए जाना जाता है। सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी वीडियोस और तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जिनमें ग्रीन एनाकोंडा को पानी के अंदर सरपट तैरते हुए रिकॉर्ड किया गया है। आमतौर पर एनाकोंडा की लंबाई 42 फीट तक होती है, जबकि इसका शरीर सामान्य सांप की तुलना में काफी ज्यादा मोटा और लचीला होता है। सांप की ये प्रजाति जमीन में भले ही धीमी गति से चलते हों, लेकिन पानी के अंदर इसकी रफ्तार से मुकाबला कर पाना किसी भी जीव के लिए नामुमकिन है। एनाकोंडा पानी के अंदर रहकर ही शिकार करना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ इसकी ताकत से मुकाबला कर पाना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन कभी कभार शिकार ना मिलने की स्थिति में ये विशालकाय सांप जमीन की तरफ रुख कर लेता है, जहाँ ये गाय बछड़े से लेकर हर तरह के जीव को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। इन्हीं हमलों की कुछ वीडियो क्लिप्स को देखकर आप एनाकोंडा की ताकत और खौफनाक अंदाज का अनुमान लगा सकते हैं, जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जमीन पर एनाकोंडा का हमला। एनाकोंडा खाने के मामले में गिने चुने जीवों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी डाइट में हर तरह का जानवर शामिल है। ये सांप छोटी मछलियों से लेकर बड़े मगरमच्छ, पक्षी और हिरण आदि को अपना भोजन बनाने से परहेज नहीं करता है। इससे पता चलता है कि एनाकोंडा ने बदलते वक्त के साथ अपने भोजन में भी बदलाव किया है। एनाकोंडा जमीन पर मुख्य रूप से गाय के बछड़े को अपना शिकार बनाता है, क्योंकि उन्हें पकड़ना और मौत के घाट उतारना काफी आसान होता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक एनाकोंडा बछड़े को निगलने की कोशिश में लगा हुआ है। तभी स्थानीय लोग बछड़े की मदद के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। वो बछड़े को एनाकोंडा के चुंगल से छुड़ाने के लिए उसे रस्सी से बांधकर वापस पानी में फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक एनाकोंडा बछड़े की जान ले चुका होता है। ये सांप बछड़े के शरीर को चारों तरफ से मजबूती के साथ जकड़ लेता है, जिसकी वजह से कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में बछड़े की माँ अपने बच्चे को ना बचा पाने के दुख में एनाकोंडा पर हमला शुरू कर देती है और उसे अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन एनाकोंडा को अपने पैरों से मारना गाय के लिए घातक साबित हो जाता है, क्योंकि ये विशालकाय सांप दोगुना तेजी से गाय के मुंह पर वार कर देता है। ऐसे में गाय के लिए एनाकोंडा को मार पाना तो नामुमकिन साबित हो जाता है, इसलिए वो कुछ देर बाद वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एनाकोंडा बड़े ही आराम से बछड़े को अपना भोजन बना लेता है, जिसको प्राप्त करने के लिए उसने बछड़े की माँ और इंसानों के हमले को सहन किया था। ऐसा नहीं है कि एनाकोंडा सिर्फ बछड़ों पर ही अपनी ताकत आजमाता है, बल्कि इस विशालकाय सांप की नजर हर जीवित जीव पर होती है, फिर चाहे वो पालतू या जंगली कुत्ता ही क्यों ना हो।
इस वीडियो में एक एनाकोंडा जमीन पर कुत्ते को पकड़ लेता है और उसके शरीर पर कुंडली मार कर बैठ जाता है। वहीं कुत्ता सांप के चुंगल से छूटने के लिए हाथ पैर चलाता है। यहाँ एनाकोंडा कुत्ते की गर्दन दबोचकर उसका दम घोटने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता भी हार मानने के मूड में नहीं है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ एनाकोंडा से मुकाबला करता है और उसकी पकड़ से आजाद हो जाता है, लेकिन एनाकोंडा एक बार फिर उसके पैर को जकड़ लेता है। लेकिन इस बार कुत्ते का मुंह बाहर की तरफ है, इसलिए वो अपने बाइटिंग फोर्स का इस्तेमाल करके सांप को काटने की कोशिश करता है। कुत्ते के काटने से एनाकोंडा की पकड़ थोड़ी सी ढीली हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर कुत्ता तुरंत उसके चुंगल से छूटने में कामयाब हो जाता है और भागकर स्थानीय बस्ती की तरफ चला जाता है। यहाँ कुत्ता अपनी समझदारी का परिचय देते हुए न सिर्फ एनाकोंडा को मात देता है, बल्कि अपने लिए एक सुरक्षित जगह भी तलाश कर लेता है। वो जानता है कि एनाकोंडा को चाहे कितनी ही भूख क्यों न लगी हो, लेकिन वो स्थानीय बस्ती की तरफ नहीं आएगा। एनाकोंडा भले ही आकार में विशाल जीव है, लेकिन इसके शरीर में एक कमी भी है, जिसकी वजह से अक्सर जमीन पर शिकार करने के दौरान जानवर इसकी पकड़ से आजाद हो जाता है। दरअसल एनाकोंडा के पास बड़ा शरीर और मजबूत मांसपेशियां तो होती हैं, लेकिन इसके पास जहरीले दांत नहीं होते हैं। यही वजह है कि एनाकोंडा जब किसी जीव पर हमला करता है तो उस पर अपना जहर नहीं छोड़ पाता, क्योंकि एनाकोंडा के शरीर में जहर की मात्रा बहुत ही कम होती है, जो किसी भी जीव को मौत के घाट उतारने के लिए काफी नहीं है। ऐसे में एनाकोंडा अपने शिकार को मारने के लिए मजबूत मांसपेशियों का इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए वो शिकार पर कुंडली मारकर बैठ जाता है ताकि दम घुटने से उसकी मौत हो जाए। एनाकोंडा की इस शिकारी रणनीति में कभी कभार शिकार उसकी पकड़ से छूटने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि 300 से 400 किलोग्राम वजनदार शरीर के साथ किसी जीव को लंबे समय तक पकड़े रहना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। हालांकि अगर ये शिकारी जानवर पानी में किसी पर हमला करे तो उसका इसके चुंगल से बचकर निकल पाना असंभव हो जाता है। पानी के अंदर एनाकोंडा का हमला। अगर एनाकोंडा पानी के अंदर रहकर शिकार करता है तो इससे मगरमच्छ जैसे बड़े जानवर भी पंगा लेने से घबराते हैं। एनाकोंडा अपने शिकार को जकड़कर मौत के घाट उतारने के लिए जाना जाता है, जबकि मगरमच्छ के पास मजबूत जबड़े और नुकीले दांत होते हैं। ऐसे में अगर ये दोनों जीव आपस में भिड़ जाएं, तो जीत किसकी होगी इस बात का अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो के जरिए आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि एनाकोंडा को इतना खतरनाक सांप क्यों माना जाता है, जबकि उसके पास जहर भी नहीं होता है। आमतौर पर एनाकोंडा और मगरमच्छ के बीच होने वाली लड़ाई का मुख्य कारण पानी के अंदर हुकूमत चलाने को लेकर होती है, जिसकी वजह से किसी एक जीव की हार के बाद पानी का राजा चुना जाता है। इस वीडियो में एक एनाकोंडा पानी के अंदर तैर रहा है, इसी दौरान उसकी नजर एक मगरमच्छ पर पड़ती है। पानी के ये दोनों जीव जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो अपनी ताकत का प्रदर्शन करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे में मगरमच्छ अक्सर एनाकोंडा के विशाल आकार को देखकर उसे दूरी बनाने और मौके से भागने की तैयारी में जुट जाता है, जबकि एनाकोंडा मगरमच्छ के इस डर का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देता है। एनाकोंडा मगरमच्छ को उसके मुंह की तरफ से जकड़ना शुरू करता है, ताकि वो अपने जबड़ों और दांतों का इस्तेमाल करके एनाकोंडा को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसके बाद एनाकोंडा काफी देर तक मगरमच्छ के शरीर पर कुंडली मार कर बैठा रहता है, जिसकी वजह से मगरमच्छ का दम घुट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ मगरमच्छ की मौत के साथ ही एनाकोंडा पानी का नया राजा घोषित हो जाता है और उसे दावत उड़ाने के लिए मगरमच्छ का मांस भी मिल जाता है। ऐसे में अमेज़न नदी के पानी में मगरमच्छ से ज्यादा एनाकोंडा की संख्या देखने को मिलती है, क्योंकि ये शिकारी जीव उन्हें मारकर तुरंत अपना भोजन बना लेता है। क्या इंसानों के लिए भी खतरनाक है एनाकोंडा? अगर आप हॉलीवुड मूवीज को देखने के बाद ये सोचते हैं कि एनाकोंडा इंसान को भी जिंदा निगलने की ताकत रखता है, तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि आज तक एनाकोंडा द्वारा किसी इंसान को खाए जाने या उनका शिकार किए जाने की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान एनाकोंडा से पूरी तरह से सुरक्षित है। असल में ये सांप भी दूसरे जीवों की तरह आत्मरक्षा और खतरा महसूस होने की स्थिति में इंसान पर हमला कर देता है, जो जहरीला नहीं होता है, लेकिन इससे शरीर को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है।
अगर कोई इंसान पानी में जाकर एनाकोंडा के इलाके में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो ये सांप उसकी गर्दन को फौरन अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ऐसे में अगर एक बार एनाकोंडा किसी इंसान की गर्दन पर सही तरीके से कुंडली मारने में कामयाब हो जाए तो दम घुटने से उसकी मौत होना तय है। इस वीडियो में आप एनाकोंडा के खतरनाक हमले को देख सकते हैं जो पानी के अंदर एक व्यक्ति को मारने की पूरी कोशिश कर रहा है। एनाकोंडा उस व्यक्ति की गर्दन को कसकर जकड़ लेता है ताकि दम घुटने से उसकी मौत हो जाए। यहां राहत की बात ये थी कि उस समय पीड़ित की मदद करने के लिए उसका दोस्त भी वहीं पर मौजूद होता है जो एनाकोंडा की पकड़ को ढीला कर अपने दोस्त को उसके चुंगल से आजाद करने की पूरी कोशिश करता है। इस तरह काफी देर तक पानी के अंदर एनाकोंडा और दो इंसानों का संघर्ष चलता रहता है जिसके बाद आखिरकार पीड़ित की जान बच जाती है और दोनों दोस्त तुरंत पानी से बाहर आ जाते हैं। इसी तरह एक दूसरे वीडियो क्लिप में एनाकोंडा का खतरनाक रूप देखने को मिलता है जो एक टीवी प्रोग्राम का हिस्सा था। दरअसल उस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगियों को बॉक्स में मौजूद एनाकोंडा को छूने का टास्क दिया गया था जिसे पूरा करने के बाद प्रतियोगियों को नेक्स्ट राउंड के लिए चुना जाना था। ऐसे में जब एक प्रतियोगी बॉक्स में रखे एनाकोंडा को छूने की कोशिश करता है तो सांप तुरंत उसके हाथ में लिपटना शुरू कर देता है। इस तरह एनाकोंडा कुछ ही देर में प्रतियोगी के हाथ को मजबूती से जकड़ लेता है जिसकी वजह से प्रतियोगी जोर जोर से चीखते चिल्लाते मदद मांगने लगती है। इसके बाद बचाव कार्य करने वाले टीम मेंबर्स मौके पर पहुंचते हैं और प्रतियोगी को एनाकोंडा की पकड़ से आजाद करवाने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन एनाकोंडा की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि एक साथ दो से तीन आदमियों को मिलकर इस काम को अंजाम देना पड़ता है। अगर इस घटना के दौरान प्रतियोगी के आसपास क्रू मेंबर्स मौजूद नहीं होते तो उसकी मौत तय थी। ऐसा जरूरी नहीं है कि एनाकोंडा के हमले से बचाने के लिए हर वक्त कोई न कोई आपके आसपास मौजूद हो, क्योंकि कई बार जंगल में फंसने के दौरान लोगों का सामना इस खतरनाक सांप से हो जाता है। एनाकोंडा यूं तो अपने शिकार को जकड़ कर मारता है, लेकिन कई बार ये सामने वाले अपने दांतों से भी हमला कर देता है। ये अलग वीडियो डिस्कवरी चैनल द्वारा जंगल में शूट किया गया है जिसमें एक वैज्ञानिक रिसर्च के जरिए एनाकोंडा की बाइट फोर्स का पता लगाना चाहते थे। ऐसे में वैज्ञानिक सुरक्षा ड्रेस और उपकरण पहने एनाकोंडा के पास जाते हैं जो इंसान को अपने पास देखकर तुरंत हरकत में आ जाता है और वैज्ञानिक के शरीर को जकड़ना शुरू कर देता है। ऐसे में कुंडली मारे जाने के बाद भी वैज्ञानिकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही होती है, लेकिन एनाकोंडा जिंदा इंसान को खाने की प्रक्रिया शुरू करने लगता है। ऐसे में डिस्कवरी टीम को वैज्ञानिक की जान बचाने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है और क्रू मेंबर्स मिलकर वैज्ञानिक को एनाकोंडा की पकड़ से आजाद कराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एनाकोंडा अपने जोरदार शारीरिक बल और दांतों से वैज्ञानिक को कई जगह काट चुका होता है जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। ऐसे में भले ही टीम के बचाव कार्य से वैज्ञानिक की जान बच गई हो और एनाकोंडा वहां से भाग गया हो, लेकिन वो अपने साथ छेड़छाड़ करने वाले वैज्ञानिकों को अच्छा खासा जख्म देकर लौटता है। इन घटनाओं से साबित हो जाता है कि एनाकोंडा सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है, जिसकी कुछ प्रजातियां जीवित इंसान को निगलने का दम रखती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हम सभी को इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि ये खतरनाक सांप सिर्फ अमेज़न जंगल के आसपास ही मौजूद है, वरना इसकी वजह से किसी सामान्य जंगल में जाना भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।